नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय के आवश्यकता वाले मरीजों को अब अस्पताल जाने तथा शव को ले जाने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस 15 एम्बुलेंस और एक शव वापस बेगूसराय को उपलब्ध कराया गया है। मंगलवार को डीएम रोशन कुशवाहा ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर सभी एम्बुलेंस और शव वाहन को रवाना किया है। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और डीपीआरओ भुवन कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी उपस्थित थे। 15 एम्बुलेंस हम लोगों के जिले में आज हम लोगों ने उपलब्ध कराया, जिसमें 8 एडवांस लाइफ सपोर्ट है और 7 रेगुलर हमारे एम्बुलेंस है। इसके अलावा एक मॉर्चुरी वैन जो शव वाहन होता है उसका भी, तो कुल इस तरह से मिला के 16 अत्याधुनिक नई गाड़ियाँ बेगूसराय जिले को आज हम लोगों को मिली है, जो कि सिविल सर्जन के डिस्पोजल पे रहेंगे और ये फर्दर सभी अंचल जो हमारे पीएससी हैं और उन जगहों पे आवश्यकता अनुसार इसको बांटा जाएगा। इन एम्बुलेंस में सभी नई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं और कई बार जो इस तरह से शिकायतें मिलती थी कि एम्बुलेंस ऑफ रोड हो जाती थी, हम लोग के पैनल में रहती थी लेकिन एक्चुअल में हॉस्पिटल में हम लोग देखते थे कि गाड़ी ख़राब है, कुछ मरम्मति की बात है। नई गाड़ियाँ उपलब्ध हो गई हैं जिससे कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगा और जो हमारे मरीज हैं कम समय में और अच्छी सुविधा के साथ वो निकटतम अस्पताल या जो भी सेंटर है हेल्थ सेंटर वहाँ पहुँच सकते हैं। ये सुविधा है कि सर प्रसव जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको घर से लाना है और जो प्रसव हो के यानी जो शिशु होता है उसको घर पहुँचाना इस कार्य करता है। इस बड़ी गर्मी में किस तरह यहाँ सुविधा इस एम्बुलेंस में दिया गया? सर फुल्ली एसी रहेगी गाड़ी में पीछे और जहाँ तक मेरे एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन भी इसमें रहेगा। तो सिर्फ नाम का रहेगा कि मरीज को इसका फायदा भी मिलेगा? नहीं नहीं सर, सबको यानी हुआ इंटरव्यू लेके सिलेक्शन होने के बाद ही उसको लाया गया है जो यानी टेक्निकल है। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।